today we are going to start linear equations in two variables. Linear equations आपको पहले से पढ़ा था क्लास 7 में भी क्लास 8 में भी. लीनियर इक्वेशंस के इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे, प्रॉब्लम सॉल्व भी लगाए थे. एक बार फिर हम सारा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टू वेरिएबल्स वाले पर चलेंगे. सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स होते क्या? तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर अल्फाबेट्स व्हिच कैन हैव एनी वैल्यू. ठीक है, तो हम एक्स वाई या ए बी सी डी कोई भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. के हो गया, टी हो गया, एस हो गया. तो वेरिएबल्स आर दो अल्फाबेट्स विच कैन हैव एनी वैल्यू, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है. अगर कोई कहता है कि मेरी एज एक्स है, तो इसका मतलब है कि उसकी एज कोई भी हो सकती है. दस तरह के लोग उस एक्स को अपने दिमाग में अलग अलग वैल्यू सोच सकते हैं. कोई सोचेगा कि उसकी एज 5 है, कोई सोचेगा कि उसकी एज 10 है. तो एक्स कैन हैव एनी वैल्यू. अब नेक्स्ट चीज है कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यूज या न्यूमेरिक नंबर. हम लोग नंबर्स मैथ में यूज करते हैं, दो आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती. अगर कोई कह रहा है कि उसके पास 2 रुपये हैं, तो मतलब उसके पास 2 ही रुपये हैं. वो 2 रुपये चेंज होके 5 रुपीज या 10 रुपीज या 1 रुपये नहीं बन जाएगा. वो 2 रुपये 2 रुपये ही रहेगा. अगर किसी की हाइट अगर 5 फुट है, तो उसकी हाइट 5 फुट ही रहेगी, वो कांस्टेंट है. ऐसा नहीं है कि 5 फुट अगले दिन वो आ रहा है उसकी हाइट 4 फुट हो गई है, अगले दिन आ रहा है उसकी हाइट 6 फुट हो गई. ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो सकती है. ठीक है, तो द थिंग्स विच कैन नॉट चेंज विच डू नॉट चेंज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 4 हो गया, -3 हो गया, एंड सो ऑन. एनी नंबर यू यूज इज अ कॉन्स्टेंट. अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करते हैं. वन वेरिएबल मतलब एक इक्वेशन जो वन वेरिएबल से बनी है, मतलब उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है. ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे कि अगर कहा जाए कि क्रिकेट मैच में एक प्लेयर, 2 प्लेयर थे, उन लोगों ने अच्छी साझेदारी करी, अच्छी तरह से उन्होंने रन बनाया और दोनों ने मिलकर 150 रन बनाए. अगर ये कहा जाए कि 2 प्लेयर्स ने मिलकर 150 रन बनाए, तो हम उसको इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्लेयर वन एक्स, एक्स मान लेते हैं प्लेयर वन, और वाई इसको मान लेते हैं प्लेयर टू. तो प्लेयर वन और प्लेयर टू इन दोनों ने मिलकर 150 रन बनाए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 150. इसमें हमने क्या किया, एक इक्वेशन की मदद से हमने इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया. ठीक है, अब क्लियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3. इसमें आप देख सकते हैं कि x एक वेरिएबल है और 2 और 3 ये कॉन्स्टेंट है. तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन एक वन वेरिएबल में आ रहा है. इसके बाद इसका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है कि हर इक्वेशन का, हर एक चीज़ का एक जनरल एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मूला होता है. अगर आपको फॉर्मूला वो पैटर्न अगर पता है, तो आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी चीज़ को सही ढंग से रख सकते हैं. तो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला है वो है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. ए और बी क्या है? ए और बी आर कॉन्स्टेंट्स जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या कॉन्स्टेंट टर्म जो एक्स के साथ प्लस या माइनस हो रहे हैं. ए और बी दीज आर कॉन्स्टेंट टर्म्स और एक्स आपका वेरिएबल. ये आपका जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट इसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वो इक्वेशन होते हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल देकर लिखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इसमें एक x एक वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है. ठीक है, और कॉन्स्टेंट टर्म है 4 और x के साथ लगा हुआ है 2. ठीक, इसका जनरल फॉर्म जो है, तो जनरल फॉर्म मैंने नीचे इसका लिखा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ए एक्स
plus by plus c equals to 0. इसमें a, b और c these are constant terms, these are numbers. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि a और b 0 के इक्वल नहीं है. a और b 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए. क्यों? अगर a और b 0 के इक्वल हो जाते हैं तो 0 into x ये 0 हो जाएगा, 0 into y ये भी 0 हो जाएगा. तो अगर a दोनों वेरिएबल्स अगर एलिमिनेट हो जाते हैं, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाते हैं, तो फिर ये इक्वेशन में दो वेरिएबल रहेंगे. जब दो वेरिएबल नहीं रहेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स नहीं कहलाएगा. तो इसलिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि a और b ये 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्लियर? तो लेट्स कंटिन्यू. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या फॉर्म होता है. ए एक्स प्लस टू वाई प्लस सी मैंने बताया था आपको. जो जनरल इक्वेशन है, जो जनरल फॉर्म, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. तो जैसे कि आपके आर्य सलवार बुक में दिया हुआ है, उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कैसे सॉल्व करना है. तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. तो इसमें से दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है 3x plus 5y equals to 7.5. 3x plus 5y equals to 7.5. सबसे पहले हमें इस गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के फॉर्म में रखना है. जैसे जैसे जनरल इक्वेशन लिखी हुई है बिल्कुल हूबहू वैसे ही इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है. तो what we will do is we will bring this 7.5 from this side of the equal to the other side. The equation will become 3x plus 5y minus 7.5 equals to 0. अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है कोफिशिएंट जिसे हम कहते हैं दैट विल बी a. a की वैल्यू हो जाएगी 3. y के साथ जो कोफिशिएंट है दैट कोफिशिएंट विल बी b. जनरल इक्वेशन में y के साथ जो है वो है b, तो y के साथ है 5, तो b will be 5. और c की वैल्यू जो साथ में प्लस होकर आ रहा है, यहाँ पे c की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ 7.5, तो माइनस 7.5. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x अपॉन 5 माइनस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1. अब इसमें भी हमें a, b और c की वैल्यूज पूछी जा रही है. तो इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ y, और इस 1 को इक्वल टू के उस तरफ से इधर ले आइए, ये माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो हो जाएगा a. x के साथ है 1.5, तो a की वैल्यू हो गई 1.5. y के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो हो जाएगा b, तो b की वैल्यू हो गई माइनस 1.6, कि y के साथ माइनस 1.6 मल्टीप्लाई हो रहा है. और c की वैल्यू जो कि है कांस्टेंट वैल्यू है माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगी c की वैल्यू. आपको बिल्कुल इसी तरीके से सेम वर्किंग आपको एग्जाम में भी करनी है, कॉपी में भी करनी है, साफ साफ वर्किंग करनी है. ओवर राइटिंग मत करिएगा, ब्रैकेट सही से लगाइएगा और साफ साफ लिखिएगा. एक्स के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है वो ए कंसिडर किया जाएगा, वाई के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो बी कंसिडर किया जाएगा, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे और वो सी कंसिडर किया जाएगा. यहाँ पर ये तीन वैल्यूज का इस तरीके से नोट करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड फाइव डिफरेंट सॉल्यूशंस. ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन आपको मिलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके बुक में भी, आपके एक्सरसाइज में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं. 2x minus 3y = 6. 2x minus 3y = 6 ये इक्वेशन है. इस इक्वेशन में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड फाइव डिफरेंट सॉल्यूशंस.
मतलब हमें इस इक्वेशन के पांच अलग अलग सॉल्यूशंस बताने हैं। तो उसको करने का तरीका ये है कि आप अलग अलग वैल्यूज x के लीजिए तो y के अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगी और x और y का जो सेट होगा वो हमारा एक सॉल्यूशन कहलाएगा। देख लेते हैं एक बार x की वैल्यू को जीरो ले लेते हैं। एक बार जब जीरो ले लेंगे तो इक्वेशन आपकी बनेगी टू इंटू जीरो माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स। मतलब कि टू इंटू जीरो तो हो गया जीरो, इधर आपका हो गया थ्री वाई इक्वल टू सिक्स या वाई इक्वल टू सिक्स अपॉन माइनस थ्री मतलब माइनस टू। तो वन सेट ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गया एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू माइनस टू। ठीक वैसे ही सेकेंड सेट अगर बात करें एक्स वैल्यू सपोज कर लेते हैं वन, जब एक्स की वैल्यू वन सपोज करेंगे इक्वेशन में तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी टू इंटू वन माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। टू इंटू वन हो जाएगा टू, टू माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, टू को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स माइनस टू फोर या वाई इक्वल टू फोर अपॉन माइनस। तो ये आपका दूसरा सेट ऑफ आंसर आ गया जिसमें एक्स की वैल्यू है वन और वाई की वैल्यू है माइनस फोर अपॉन थ्री। ठीक है सिमिलरली आप इस तरीके से वैल्यू लेकर सब्सिट्यूट करते रहेंगे और इसके आंसर निकलते रहेंगे। और देख लेते हैं हम इसके पांच आंसर निकालने हैं तो और वैल्यू सब्सिट्यूट करके देख लेते हैं। इस बार एक नेगेटिव वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, एक्स की वैल्यू एक बार माइनस वन ले लेते हैं। आप नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं, आप फ्रैक्शनल वैल्यूज भी रख सकते हैं, आप डेसिमल वैल्यूज भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं। जैसा आपको ईजी लग रहा है इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वैसे वैल्यू यूज करेंगे। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव यूज करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री इंटू वाई इक्वल्स टू सिक्स। ये होगा माइनस टू माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स। माइनस टू को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस टू बन जाएगा, क्रॉस की इक्वेशन बनेगी माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू एट या वाई इक्वल्स टू एट अपॉन माइनस। अपना थर्ड सोल्यूशन जो आ रहा है वो एक्स की वैल्यू जब माइनस वन यूज करेंगे तो वाई की वैल्यू माइनस एट अपॉन थ्री आएगी। एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू इस बार माइनस टू ले लेते हैं। ठीक है एक्स की वैल्यू माइनस टू लेंगे तो इक्वेशन आगे हो जाएगी टू इंटू माइनस टू माइनस थ्री इंटू वाई इक्वल्स टू सिक्स। ठीक टू इंटू माइनस टू हो जाएगा माइनस फोर माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स या माइनस फोर को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस फोर हो जाएगा और सिक्स में ऐड हो जाएगा तो इक्वेशन बनी माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू टेन या वाई इक्वल्स टू टेन अपॉन माइनस थ्री। आपका चौथा सेट ऑफ आंसर x की वैल्यू माइनस टू और y की वैल्यू माइनस टेन अपॉन थ्री। ठीक है एक और सेट निकाल लेते हैं जैसे पांच आंसर निकालने के लिए गए हैं तो एक सॉल्यूशन सेट और निकाल लेते हैं। इस बार x की वैल्यू मान लेते हैं थ्री मान लेते हैं x की वैल्यू प्लस थ्री। जब प्लस थ्री मानेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी टू इंटू थ्री माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स। सिक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स। सिक्स तो इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स प्लस सिक्स जीरो। तो हमारा इक्वेशन जो बचेगा कुछ ऐसा होगा माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो या वाई इक्वल्स टू जीरो। हमारा जो लास्ट सेट निकला वो एक्स की वैल्यू थ्री वाई की वैल्यू जीरो। तो दीज आर द फाइव सॉल्यूशंस डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये ध्यान देने वाली बात है मैंने कुछ बताया होगा आपको पहले भी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट आंसर्स निकल सकते हैं, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। आप एक एक करके एक्स की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाइए और उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग वाई की अलग अलग वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। ठीक है